हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेकी लेंस। आज मैं आपके लिए लेके आया कुछ एप्लीकेशंस जो आपको सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि आपके रेगुलर फोन यूसेज में काम आएंगे एंड ये काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देंगे आपके रेगुलर टास्क को। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। एंड दैट्स बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट में जो पहला एप्लीकेशन है उसका नाम है स्मार्ट किट। इस ऐप की साइज कुछ 5 MB है, लेकिन आपको इसमें इतने सारे एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे कि लिटरली इसमें आपकी ऐप ड्रॉअर की आधी एप्लीकेशंस आ जाती है। इसमें आपको छोटे छोटे टूल्स देखने को मिलेंगे जो कि डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। एंड अगर आप टॉप राइट कॉर्नर में देखेंगे तो आपको इसमें सारे सोशल मीडियाज, सारे शॉपिंग वेबसाइट्स एंड सारे दुनिया की न्यूज़ देखने को मिल जाती है। एंड जिन लोगों के फ़ोन में स्टोरेज प्रॉब्लम्स है, लाइक स्टोरेज कम है, वो लोग के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी ये एप्लीकेशन, क्योंकि ये बस 5 MB साइज की है एंड इसमें आपको लिटरली सारे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको सारे लाइट ऐप्स देखने को मिलते हैं। सो अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज प्रॉब्लम है या फिर आप लाइट ऐप यूज करना चाहते हो तो आप ये ऐप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। मैं काफ़ी श्योर हूँ आप में से बहुत ज़्यादा लोग YouTube यूज़ करते हो खाली गाने सुनने के लिए, और YouTube पे म्यूजिक वीडियोज़ पे व्यूज़ देख के ही पता चल जाता है। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर आप YouTube की नॉर्मल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं गाने सुनने के लिए। पहली बात तो बैकग्राउंड में प्ले नहीं होता, तो अगर आपने बैक कर लिया तो प्ले होना बंद हो जाएगा, और या फिर दूसरा ऑप्शन आप स्क्रीन को ऑफ करते हैं तो वो भी बंद हो जाता है। एंड इसमें आप दूसरे ऐप्स को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हो गाने सुनते टाइम, एंड और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इसको फिक्स करने के लिए वाई म्यूजिक एप्लीकेशन है, ये एक्चुअली YouTube के सारे गाने प्ले कर सकती है और ये बैकग्राउंड में भी चल जाती है। एंड आप इसमें से म्यूज़िक भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप स्क्रीन को भी ऑफ करते हो तो काफ़ी बढ़िया चल जाती है। एंड आपको इसमें नोटिफिकेशन पैनल पे कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। मुझे ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी लगी एंड मैं इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ अब। और मैंने इसमें नोटिस किया कि अगर आप YouTube की नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़ करते हो गाने सुनने के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा डेटा ले लेता है और तब भी वो इतना अच्छा चल नहीं पाता, लेकिन ये एप्लीकेशन में सिर्फ गाना लोड होता है, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा डेटा बच जाता है और आपको गाने भी अच्छे क्वालिटी में मिल जाती है। एंड इसमें आपको साजम वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आप साजम यूज़ करते हो तो ये फीचर भी आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। म्यूजिक सुनना तो सभी को पसंद है, और काफ़ी ज़्यादा लोग को काम करते टाइम म्यूजिक सुनने की आदत होती है। लाइक जब भी मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ तो मुझे म्यूजिक सुनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सभी म्यूजिक आपको फोकस करने में हेल्प नहीं करती, और लिरिक्स वाले म्यूजिक तो बिल्कुल भी नहीं। सो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है टाइड। इसमें आपको 3 कैटेगरीज मिल जाएंगे म्यूजिक की, फोकस, स्लीप और ब्रीथ। सो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग म्यूजिक सुन सकते हो। लाइक जब आप काम कर रहे हो या फिर नोट्स वगैरह बना रहे हो तो आप फोकस का यूज कर सकते हो, एंड जब आप पावर नैप लेना चाहते हो या फिर सोना चाहते हो तो आप स्लीप मोड का यूज कर सकते हो, और जब आपको रिलैक्स करना है आप ब्रीथ मोड का यूज कर सकते हो। इसमें आप 2 घंटे तक की अनस्टॉपेबल म्यूजिक सुन सकते हो बिना किसी ब्रेक के। आपको इसमें गाने कम पड़ रहे हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा गाने भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको उसका भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। सुनने में तो ये एप्लीकेशन काफ़ी नॉर्मल सा लगता है, लेकिन ट्रस्ट में इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है लाइफ में। एंड अगर आप रात को गाने सुनते सुनते सो जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके गाना टर्न ऑफ कर लेता है। एंड्रॉयड में हमें जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लिखनी होती है हमें से बहुत ज़्यादा लोग कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड का बिल्ट इन क्लिप बोर्ड होता है वो सिर्फ लेटेस्ट आर्टिकल को ही सेव करके रखता है। लाइक अगर आप एक साथ में 2 आर्टिकल्स को कॉपी करते हो तो उसमें जो लेटेस्ट वाला आर्टिकल है वही सिर्फ सेव रहता है, एंड जो आर्टिकल आपने पहले कॉपी किया है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। लेकिन जो हमारा लिस्ट में नेक्स्ट ऐप है क्लिप बोर्ड एक्शन, ये आपके सारे आर्टिकल्स को कॉपी करके रखता है। लाइक आप जब भी चाहो वो आर्टिकल को पेस्ट कर सकते हो, एंड जैसे आप कोई आर्टिकल को कॉपी करते हो आपको कंट्रोल पैनल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप आर्टिकल को स्वाइप करके डिलीट या फिर सेव कर सकते हो, एंड आपको यहाँ पर डायरेक्टली शेयर करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप आर्टिकल के बारे में सर्च करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो, एंड अगर आपका आर्टिकल कोई लोकेशन है तो आप यहाँ से डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हो। इसमें आपको स्पीक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड अगर आपको अपना आर्टिकल QR कोड में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल रहती है उन लोगों के लिए जो कॉपी पेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने काम में। लाइक ये आपके सारे आर्टिकल्स को सेव करके रखता है परमानेंटली, आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप कॉपी पेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अपने फ़ोन में तो ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, आप इसे ज़रूर चेकआउट करना। अभी इस टाइम के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं एंड ज़्यादातर टाइम अपने फ़ोन में स्पेंड करते हैं,
लेकिन हम लोग को बेसिकली पता नहीं होता है कि हम लोग किस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ऐसी सिचुएशन में आपकी हेल्प करेगा हमारा नेक्स्ट ऐप जिसका नाम है रेस्क्यू फोन। इसमें आपको आपकी फ़ोन यूसेज देखने को मिल जाएंगे जिसे आप फिगर आउट कर सकते हो आप किस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो सही है या फिर वो गलत है। एंड अगर वो चीज़ गलत है तो आप अपने आप को अवेयर कर सकते हो उस चीज़ से। इसमें आपको टाइम यूसेज की कैटेगरीज मिल जाएंगी लाइक शॉपिंग, यूटिलिटीज़, इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया। आप यहाँ देख सकते हो आप कितने टाइम किस में स्पेंड कर रहे हो। एंड अगर आप सही टाइम स्पेंड कर रहे हो तो ठीक है, या अगर आप गलत टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। एंड अगर आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होता है तो ये ऐप आप डेफिनेटली चेकआउट करना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। काम के साथ साथ हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा था कि आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते अपने फ़ोन में और ज़्यादातर टाइम अपने स्क्रीन के आगे स्पेंड करते हैं, तो इससे तो आपको दिन में कुछ फ़र्क देखने को नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप रात को फ़ोन यूज़ करते हो तो उसमें से जो ब्लू लाइट निकल के आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हो जाता है आँखों में, लाइक आपको आई स्ट्रेन, ब्लरीनेस एंड आइस पेन जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा नेक्स्ट ऐप है जिसका नाम है नाइट शिफ्ट। यह ऐप आपकी स्क्रीन में रेड टिंट डाल देता है जिससे कि ब्लू लाइट नहीं आ पाती और आपको ब्लू लाइट से होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती है इसमें। एंड इसमें आपको डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाते हैं जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। एंड इसे आप अपने टाइम के अनुसार भी सेट कर सकते हो जिससे कि वो पार्टिकुलर टाइम में ये ऐप ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ हो जाए। सो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन जो इस लिस्ट में है उसका नाम है नॉक्स क्लीनर। काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन्स होते हैं टाइम के साथ उनमें स्टोरेज फुल हो जाती है और पता भी नहीं चलता लाइक पूरी स्टोरेज कहीं कहाँ। और कभी कभार तो ऐसा होता है लाइक एप्लीकेशन और सब मिला के 1-2 GB का है लेकिन 32 GB की स्टोरेज फुल भरी है। तो ऐसा इसलिए होता है लाइक कुछ एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है और लाइन है और भी कई एप्लीकेशन है जो अपना मीडिया डाटा अपना फ़ोन स्टोरेज में स्टोर करती है और टाइम के साथ वो पूरी स्टोरेज ले लेती है। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली जंक फाइल होती है जो मीडिया डाटा के उनको क्लियर कर देता है और आपके फ़ोन में मेमोरी फ्री कर लेता है। ये बाकी सारे एप्लीकेशन की तरह नहीं है जो वन क्लिक बूस्ट कर दे आपके फ़ोन को या फिर आपकी बैटरी बैकअप बढ़ा देती है। ये सिंपल क्लीनिंग एप्लीकेशन है और बस ये क्लीनिंग का काम करती है। एंड आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके फ़ोन में बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेट फ़ोटोज़ होते हैं, तो ये एप्लीकेशन उनको भी स्कैन कर लेती है और डुप्लीकेट फ़ोटोज़ को डिलीट करने में आपकी हेल्प करती है। एंड अगर आपके फ़ोन में बड़ी साइज़ की फ़ोटोज़ है तो ये भी उसे कंप्रेस करने में हेल्प कर लेती है। तो बस आज के लिए मैंने बस इतनी एप्लीकेशन कंपाइल करी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।